हेलो बच्चों, स्वागत है आपका लेट्स डिस्कस में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे टर्म टू का एग्ज़ाम हो रहा है 2022 में, और ये एग्ज़ाम आप लोग का लगभग मार्च में हो सकता है, मार्च एंड में या फिर अप्रैल स्टार्टिंग में, ठीक है ना। तो ऐसा समझ लीजिए कि 15 मार्च के बाद ही होगा ये एग्ज़ाम, जो होगा 15 मार्च के बाद ही होगा। तो उसमें हम लोग कैसे कैसे तैयारी करने वाले हैं उस एग्ज़ाम के लिए, और सिलेबस क्या होगा, 10th का मैथ्स हो गया या फिर 9th का मैथ्स हो गया, और ऑल सब्जेक्ट्स के लिए जो सिलेबस होगा वो क्या होगा, उस बारे में आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि सिलेबस क्या होगा, कहाँ से हमको कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरह के पेपर्स आएंगे, ठीक ना। और अभी जो कोरोना का सिचुएशन चल रहा है उसको आप लोग देख ही रहे हैं, तो अगर कोरोना का सिचुएशन ज़्यादा ख़राब होता है तो क्या होगा, CBSE क्या उसमें एक्शन ले सकती है, इस सब चीज़ों के बारे में अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, मैथ का सिलेबस जहाँ तक देखा जाए, क्लास 10th का जो है उसमें से CBSE ने जारी कर दिया है कि जो टर्म टू के लिए मैथ्स का सिलेबस होगा उसमें से टोटल हमारे 7 चैप्टर आने वाले हैं, ठीक है, 7 चैप्टर्स। वो अभी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स होंगे। तो 7 चैप्टर्स ऐसे हैं जो टर्म टू में आने वाले हैं, ठीक ना। तो देखिए, पहला जो चैप्टर है वो है हमारा चैप्टर नंबर 4, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 4 है, और ये चैप्टर नंबर 4 में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा चैप्टर 4 है। तो पहला जो चैप्टर है जो टर्म टू एग्जाम में आएगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पूरा सिलेबस के बारे में, और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हो हम लोग तैयारी करेंगे अपने टर्म टू एग्ज़ाम की, ठीक है ना। देखिए, तो दूसरा जो चैप्टर आने वाला है इसमें टर्म टू के एग्ज़ाम में वो है चैप्टर नंबर 5, ठीक है, चैप्टर 5। चैप्टर 5 में है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आएगा। और जो चैप्टर 4 से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो हमारा रिड्यूस किया गया है, वो हमारा जो NCERT बुक है, NCERT बुक उसमें का जो टॉपिक है 4.4, वो रिड्यूस कर दिया गया है टर्म टू के एग्ज़ाम के लिए। मतलब ये है कि जो टर्म 4.4 होगा टॉपिक वो नहीं आएगा, कट कर दिया गया है, ठीक है, टर्म टू के एग्ज़ाम के लिए। और चैप्टर 5 से AP से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से एक्सरसाइज जो 16 है, या एग्ज़ाम्पल नंबर जो 16 है वो नहीं आएगा, रिड्यूस कर दिया है इसको। और 5.3 में, एक्सरसाइज 5.3 में जो क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं 5.3 में, एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 15 के बाद जो क्वेश्चंस हैं वो रिड्यूस कर दिए गए हैं। तो इसमें चैप्टर 5 से एक्सरसाइज एग्जांपल नंबर 16 ये नहीं आएगा, और 5.3 में जो एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 15 के बाद ये नहीं आएगा अपने टर्म टू के एग्ज़ाम में। तीसरा जो चैप्टर है टर्म टू में आने वाला है वो है चैप्टर नंबर 9, ठीक है। और ये चैप्टर नंबर 9 क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये जो चैप्टर है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये पूरा का पूरा आएगा, इसमें कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है, समझ में आ गया ना। और चौथा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 है सर्कल्स, ठीक है। तो ये भी पूरा चैप्टर आएगा, ये पूरा का पूरा आएगा, इसमें भी कुछ भी कट नहीं किया गया है, कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है। अगला जो चैप्टर है वो है पांचवा चैप्टर जो आने वाला है वो 11th चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, और इसमें क्या है, कंस्ट्रक्शंस हैं, कंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस है टर्म टू के एग्जाम के लिए क्लास 10th मैथ्स का। तो इस कंस्ट्रक्शंस में से जो जो टॉपिक हटाया गया है इसमें से, इस 11th चैप्टर से, वो है 11.2, जो अपना टॉपिक है 11.2 वो रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है ना। और जो छठवां चैप्टर है, 6th नंबर पे जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 13, ये आएगा हमारे इसमें। तो इसमें से जो हमारा 13.5 है टॉपिक जो है 13.5,
वो रिड्यूस कर दिया गया है, और एक्सरसाइज जो है 13.4, ये पूरा का पूरा रिड्यूस कर दिया गया है। तो टॉपिक हमारा 13.5 नहीं आएगा, और एक्सरसाइज जो 13.4 है वो नहीं आएगा इसमें, ठीक है। और जो सेवेंथ चैप्टर है जो इस एग्ज़ाम में आने वाला है, वो चैप्टर नंबर 4 है या 14 है, चैप्टर नंबर 14। तो इसमें आपका स्टेप डेविएशन मेथड नहीं आएगा। चैप्टर 14 क्या है? स्टेटिस्टिक्स, ठीक है। इसमें जो हमारा स्टेप डेविएशन मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड, ये रिड्यूस कर दिया गया है, और साथ ही में जो एक्सरसाइज 14.4 है ये भी रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक ना। तो ये 7 चैप्टर हैं जो कि आने वाले हैं, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 9, 10, 11 एंड 13, 14, ठीक है, ये चारों चैप्टर। और ये जो है पूरे, ये इसके रिड्यूस्ड सिलेबस हैं, ठीक ना, कि क्या क्या किस चैप्टर से हटाया गया है। तो समझ में आ गया होगा कि जो क्लास 10th का मैथ्स का सिलेबस है टर्म 2 के लिए वो क्या होने वाला है। और अब हम लोग बात करने वाले हैं कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होने वाला है। तो जो हमारा टर्म 2 का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें सब्जेक्टिव पेपर होगा। टर्म फर्स्ट वर्क की तरह ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, इस बार सब्जेक्टिव होने वाला है। और अगर कोरोना की जो सिचुएशन है वो ज़्यादा ख़राब होती है तो CBSE ऑब्जेक्टिव पेपर भी ले सकती है, ठीक है ना। तो अभी अगर हालत कोरोना की सही रही तो सब्जेक्टिव पेपर होगा, अदरवाइज़ हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो होने वाला है। तो हमको दोनों को लेके तैयारी करना है, समझ में आया ना, सब्जेक्टिव को लेके भी और ऑब्जेक्टिव को लेके भी तैयारी करना है, ताकि दोनों साथ साथ में तैयारी चलती रहे हमारी, समझ में आ गया ना। और इस बार का पेपर जो होने वाला है वो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा, ठीक है। रट्टा वाला सिस्टम अब नहीं होने वाला है कि कहीं से जो क्वेश्चन है वो रट लिए और वही एग्ज़ाम में आएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है, रट्टा वाला सिस्टम नहीं होने वाला है। कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा, रियल लाइफ क्वेश्चंस होंगे, रियल लाइफ पे बेस्ड होंगे क्वेश्चंस, तो ऐसे आएंगे। तो उनके लिए आपको कॉन्सेप्ट आपका तगड़ा होना चाहिए, समझ में आ गया ना। तो इस टर्म 2 के एग्ज़ाम के लिए आपको कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखना है, कॉन्सेप्ट पे काम करना है, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे हम उनको बनाएंगे, ये सब चीज़ें इसमें रहेगा कि इन बातों पर हम फोकस करें, ठीक है। और अब हमारे पास ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, यही जो अभी जो चल रहा है हमारा, ये जनवरी फर्स्ट वीक है ना, जनवरी का फर्स्ट वीक है। तो समझ लीजिए कि जनवरी में 20 दिन बचे हैं, 20 दिन जनवरी में और फरवरी में, ठीक है, फरवरी। तो टोटल मिला लीजिए तो आपके पास लगभग 50 दिन का समय है तैयारी करने के लिए, 50 डेज़ का, ठीक है। फिर उसके बाद आपके जो प्री बोर्ड्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे मार्च में, है ना, फरवरी के एंड में या फिर मार्च स्टार्टिंग में। तो उनके लिए भी हमको टाइम देना पड़ेगा। तो मोस्टली देख लीजिए आपके पास 40 से 50 दिन हैं तैयारी करने के लिए। तो इनमें ये 7 चैप्टर हमको कंप्लीट करने हैं, और साथ में सिर्फ यही एक सब्जेक्ट तो है नहीं, और भी सब्जेक्ट हैं, उनके भी तैयारी अच्छे से करनी है, जोरों शोरों से। और इस बार टर्म 2 के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे तब ये पॉसिबल हो पाएगा। तो इस चैनल पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कराई जाएगी। तो ये आपका डेली वीडियोस आएंगे, आप लोग उनको देखिए और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जो हमारा चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ही क्वेश्चंस आएंगे, उन्हीं पर हमको फोकस करना है। तो कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर पढ़ाई होने वाली है, और आप लोग भी एकदम कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए टर्म 2 के एग्ज़ाम के लिए, ताकि एकदम बढ़िया नंबर आए इस बार, और हमको कहीं भी पेपर टफ नहीं लगना चाहिए ज़रा सा भी, ठीक है। तो जम के पढ़ाई करिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगले वीडियो से हम लोग अपना प्रॉपर तैयारी चालू कर देंगे। तो पहला जो चैप्टर हम लोग कवर करेंगे वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ से शुरू करेंगे, और धीरे धीरे सभी चैप्टर्स 1-1.5 महीने के अंदर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी वीडियो अपलोड हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना जो चैप्टर 4 है वो स्टार्ट करेंगे उसमें, ठीक है।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।